दोस्तों, दुनिया में पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत पक्षियों के साथ, जिनमें से कुछ की मूंछें हैं और कुछ बेहद ही खूबसूरत और कुछ इतने क्यूट हैं कि उन्हें देख आपको इन्हें पालने का मन करेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और लास्ट वाला पक्षी तो आपको ज़रूर चौंका देगा। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर लें। नंबर एक पर आता है इनका टर्न। इस पक्षी का नाम है इनका टर्न। ये पक्षी अपने खास दिखने की वजह से किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इनके मुंह की तरफ हम ध्यान से देखें तो लगता है जैसे इनके मूंछ निकल आई हो, लेकिन क्या करें, इस बर्ड की यही तो खासियत है। इनका पूरा शरीर डार्क ग्रे रंग का होता है, सिवाय इनके पैर और चोंच को छोड़कर, जो कि लाल या नारंगी रंग की होती है, और इनके चोंच के बगल में मूंछों के जैसे सफ़ेद रंग के पंख होते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे अलग दिखते हैं। नंबर टू, आउल। इस पक्षी को तो आप सभी जानते होंगे। यह पक्षी जितना डरावना लगता है उतना ही बुद्धिमान भी होता है। क्या आप भी उल्लू को बेवकूफ़ समझते हो? यदि हाँ तो बड़ी भूल कर रहे हो आप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उल्लू एक चंट पक्षी है। इस पृथ्वी पर उल्लुओं की 200 से ज़्यादा किस्में मौजूद हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। यह पक्षी अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसका मतलब यदि आप उल्लू के पीछे खड़े हो तो यह आपको आसानी से देख सकता है। यह पक्षी इंसानों से 10 गुना धीमी आवाज़ भी सुन सकता है। उल्लू ज़्यादातर दिन में सोता है और रात होते ही वह अपनी शिकार की ओर चल पड़ता है। नंबर तीन पर आता है पोटो बर्ड। जिस तरह इस पक्षी का नाम है, ठीक उसी तरह का भी ये पक्षी खुद भी है, जो कि ड्राई फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिसे कि शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि इस पक्षी को काफ़ी वक्त से बेहद कम देखा गया है, क्योंकि यह छिपने में बड़े माहिर होते हैं और यह छिपते भी बड़ी आसानी से हैं। इसके शरीर की कुछ बनावट ही ऐसी होती है जिससे यह कहीं भी आसानी से छिप सकते हैं। अगर बात करें इसके स्वभाव की तो यह काफ़ी शांत स्वभाव का होता है। इनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। ये दिन भर सोते या बैठे रहते हैं और रात में खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल उल्लू की तरह है। इनका मुंह बाकी पक्षियों से अलग और बड़ा होता है, जिसे खोलने पर यह और भी ज़्यादा डरावने लगते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले क्या आपने ऐसा डरावना पक्षी देखा था? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर चार पर आता है पीकॉक। पीकॉक दक्षिण एशिया में पाए जाने वाला पक्षी है। यह पक्षी ज़्यादातर खुले वनों में पाए जाते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी भी है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर यह मस्त मगन होकर नाचने लगता है। नर और मादा मोर को पहचानना बहुत ही आसान है। नर की पूंछ छोटी और मादा मोर की पूंछ पर लंबे व सजावटी पंखों का एक गुच्छा होता है। इनके पंख अगस्त के महीने में झड़ने लगते हैं और गर्मी आने के पहले फिर से निकल आते हैं। वहीं अगर इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 24 से 30 वर्ष तक की होती है। मुख्यतः मोर का कलर नीला होता है, लेकिन ये सफ़ेद, हरे व जामुनी रंग का भी होता है। नंबर पाँच पर आता है पैरोट। दोस्तों, तोते के बारे में माना जाता है कि यह सबसे बुद्धिमान प्रजाति के पक्षियों में से एक है। पूरी दुनिया में तोते की लगभग 400 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है।
पक नामक तोते का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है क्योंकि इसने 1728 शब्द याद कर लिए थे। तोते की कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी होती है जो इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकती है। तोते का जीवन काल अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक होता है। ये कई बार आपके साथ उम्र भर भी रह सकते हैं तो कई बार ये अपने मालिक से आधी उम्र तक जीवित रहते हैं। आमतौर पर बड़ी प्रजाति के तोते अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं जो कि 30 से 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। अधिकतर तोते भोजन के रूप में बीजों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह फल फूल व छोटे कीड़े भी खा जाते हैं, यानी ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा वर्ड सबसे अनोखा और खूबसूरत लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।